बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब जो है खैर वाफियत से होंगे। तो आज जुमा है और इंशाल्लाह आज कोशिश करूंगा कि जितनी भी सस्ती हो सके उतनी सस्ती गाड़ी लेकर आप लोग के लिए लाऊं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी सस्ती गाड़ी और अच्छी हो वही गाड़ी आप लोग के लिए जो है लेकर आऊँ। तो सबसे पहली गाड़ी दोस्तों ये टोयोटा कैमरी है 2003 मॉडल, और ये 260,000 किलोमीटर चली हुई है। और सबसे अच्छी बात ये है इस गाड़ी की कि ये गियर जो है ऑटोमेटिक है। तो आप लोग इसका पहले बैक प्रोफाइल चेक कर ले। 2003 मॉडल है, दो पार्किंग सेंसर पीछे, और इसके रियर वाले बम्पर पे ये स्क्रैच लगा हुआ है। क्लियर आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा। बाकी इसका फास्ट इस्तेमारा बिल्कुल नया है दोस्तों। इस साइड भी हल्का सा स्क्रैच है। बाकी इसका पूरा बम्पर जो है रिपेंट है, कलर में आप लोगों को फ़र्क क्लियर दिख रहा होगा। और ये चेक करें इसका राइट प्रोफाइल है ये दोस्तों। गाड़ी अच्छी है दोस्तों, माशाल्लाह गाड़ी अच्छी है, और 260,000 किलोमीटर चली हुई है। अगर इंजन गियर चेसिस सही हुआ तो गाड़ी माशाल्लाह अच्छी दिख रही है। 2003 मॉडल, पीछे का इसका विंडशील्ड जो है ओरिजिनल है, और उस साइड का दोनों दोस्तों ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल, ये भी। तो एक्सीडेंट नहीं दिख रहा दोस्तों, सामने वाला चेंज है, सामने वाला चेंज है। बाकी आप लोग इसका इंटीरियर चेक कर लें। अंदर से गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी है, बिल्कुल फ्रेश है, और पीछे एसी भी है पैसेंजर के लिए। और ये चेक करें गियर ऑटोमेटिक, सबसे अच्छी बात है इस गाड़ी की गियर ऑटोमेटिक, और विंडो साइड मिरर सब पावर, और ये एलसीडी भी लगा हुआ है दोस्तों, स्क्रीन भी लगा हुआ है, उस साइड भी चेक करवाना पड़ेगा। ये बाद में कोई लगवाया है, जिसके पास गाड़ी थी वो लगवाया है। ये चेक कर लें आप लोग। तो दोस्तों इसका प्राइस है, जिसकी गाड़ी बोल रहा है 18,000 है, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोग बात करेंगे तो हो सकता है कि 1,500 कम कर दे। कंडीशन अच्छी है दोस्तों गाड़ी की, माशाल्लाह कंडीशन अच्छी है। 18,000 रियल इसका रेट लगा हुआ है। तो अगर किसी भाई को चाहिए तो नंबर अभी शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। और इधर एक जस्ट इसके बाजू में खड़ी है दोस्तों, ये 2008 मॉडल है, और ये भी शायद गियर ऑटोमेटिक है, ये भी गियर ऑटोमेटिक है दोस्तों। तो इसका मैं शायद एक बार बनाया था, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ। ये 2008 मॉडल है और 4,00,000 किलोमीटर चली हुई है, और ये 2008 मॉडल है, ये 2003 मॉडल है, और प्राइस में कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा बस। आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं इंशाल्लाह शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। तो ये वही बता दोस्तों कि गाड़ियाँ जो है मॉडल के हिसाब से नहीं सेल होती है, कंडीशन के हिसाब से सेल होती है। तो एक बार, और ये वाला जो है फुल ऑप्शन है, सनरूफ वगैरह सब इसमें, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। बाकी इसमें है, अभी खुलता है या नहीं, काम कर रहा है या नहीं, ये तो कंफर्म नहीं है, मैं क्लियर भी नहीं किया हूँ। बाकी ये फ्रंट प्रोफाइल इसका, और ये यहाँ पे हल्की सी गाड़ी लगी हुई है दोस्तों, स्क्रैच है। और पीछे का विंडशील्ड इसका ओरिजिनल है, और ये वाला चेंज है दोस्तों, ये वाला चेंज है, मेड इन चाइना लिखा हुआ है, और ये ओरिजिनल है दोनों, छोटा वाला ये वाला और उस साइड का भी, दोनों चेंज है। बाकी ये ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल, वो भी ओरिजिनल है, और सामने का भी चेंज है। तो दोस्तों इसका प्राइस है 19,000 रियल, ठीक है, 1,000 का फ़र्क है 2003 और 2008 मॉडल के दरमियान। बाकी क्रूज़ भी है इसमें, ये चेक कर लें, मैं क्रूज़ के लिए इधर से आया। और गियर ऑटोमेटिक, चारों के चारों विंडोज़ पावर। तो 19,000 रियाल इसका प्राइस है। अंदर से भी माशाल्लाह गाड़ी काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी साफ़ सुथरी है। तो अगर किसी भाई को चाहिए दोस्तों दोनों गाड़ियों में से, और दो गाड़ी है दोस्तों, एक्सेंट है, दो एक्सेंट है, एक शायद 2011 मॉडल है और 2012 मॉडल, ऐसी यानी दो एक्सेंट है, वो काफ़ी लो प्राइस की है। तो अभी गाड़ी रेडी हो रही है, जैसी रेडी होती है इन्हीं के पास है। तो मैं इंशाल्लाह
आप लोगों को शेयर करूँगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें इंशाल्लाह, वो काफ़ी लो प्राइस की है। तो दोस्तों इन दोनों गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी चाहिए आप लोगों को तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप लोग उस पर जो है रब्ता कर सकते हैं। चलिए आगे चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों अभी जो है मैं दूसरे लोकेशन पर आ गया हूँ। एक बार मैं यहाँ पर वीडियो बनाया था तो कुछ बहुत सी गाड़ियाँ बनाया था, बहुत सी गाड़ियाँ रह गई थी। इमारत अल वुस्ता के बाहर है तो ये सारी गाड़ियाँ ओरिजिनल है। टोटल गाड़ी जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कंडीशन की है। ये पहली गाड़ी दोस्तों किया कि पता नहीं कौन सी गाड़ी है, लेकिन इस पर पेपर वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है और माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश गाड़ियाँ यहाँ की है दोस्तों, बिल्कुल ओरिजिनल, जैसे कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा। कौन सी गाड़ी है ये? किया की किया बेजास है दोस्तों, 2022 मॉडल। तो इस पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये इससे मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ये मित्सुबिशी 2022 मॉडल है और कितनी चली हुई है इसने? 62,000 किलोमीटर चली हुई है दोस्तों, 2022 मॉडल है। और इसका इंजन साइज़ ये चेक करें, 1200 सीसी इसका इंजन साइज़ है सिर्फ और सिर्फ। और गाड़ी तो माशाल्लाह काफ़ी फ्रेश दिख रही है और इंटीरियर बिल्कुल फ्रेश, गियर ऑटोमेटिक, चारों विंडोज़ पावर, कंडीशन अच्छी है दोस्तों माशाल्लाह गाड़ी की। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल आप लोग चेक कर ले, बाकी इस साइड से काफ़ी फ्रेश करके रखी गई है गाड़ी दोस्तों माशाल्लाह। तो इसका प्राइस है 36,000 रियाल, 37,000 इसका प्राइस है, 36,000 रियाल। 2022 मॉडल है, 62,000 किलोमीटर चली हुई है। तो ये इमारत अल वुस्ता दोस्तों, इसके बाहर सब गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह इसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बहरहाल दोस्तों ये निसान सन्नी 2022 मॉडल और मैं यहीं पर से आप लोग को चेक करवा दे रहा हूँ इसका प्राइस। 2022 मॉडल है और 47,000 किलोमीटर चली हुई है और 42,000 रियाल इसका प्राइस है, इतने और बैनल सिल्वर कलर की है और टोटल ओरिजिनल माशाल्लाह गाड़ी। बाकी आप लोग आए तो लाजमी तौर पर गाड़ी चेक करवाएं, कंप्यूटर चेक करवाएं, किसी जानने वाले को साथ में लेकर आएँ। बहरहाल गाड़ी आप लोग को किसी तरह से भी चेक करनी है या चेक करवानी है, उसके बाद ही गाड़ी जो है परचेज़ करें। 2022 मॉडल है दोस्तों, तो इसका प्राइस है 42,000 रियाल। बाकी इधर है दोस्तों टोयोटा यारिस, तो इस पर प्राइस वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, वाइट कलर की है, ये भी काफ़ी माशाल्लाह अभी नई आई होगी तभी ये वैसे ही खड़ी है। अभी वहाँ 2-3 यारिस और है तो उसको मैं शेयर कर रहा हूँ, पहले इसको मैं फिनिश कर लूँ इस लाइन को। तो ये 2022 मॉडल है दोस्तों किया बेजास की और 98,000 किलोमीटर चली हुई है और ये भी माशाल्लाह कंडीशन काफ़ी अच्छी दिख रही है गाड़ी की। पीछे जो है 1, 2, 3 पार्किंग सेंसर है और काफ़ी अच्छी दिख रही है माशाल्लाह गाड़ी कंडीशन और इंटीरियर बिल्कुल साफ़ सुथरी, गाड़ी बिल्कुल फ्रेश है दोस्तों गाड़ी अंदर से माशाल्लाह। तो दोस्तों इसका प्राइस है ये चेक कर ले आप लोग, 2022 मॉडल है, 98,000 किलोमीटर चली हुई है और 39,000 रियाल इसका प्राइस है, 33,000। ऐसे ही गाड़ियाँ हैं दोस्तों, क्योंकि टोटल गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल, इसका फिनिशिंग आप लोग चेक कर लें सारी गाड़ियों का, टोटल गाड़ी जो है वो माशाल्लाह ओरिजिनल लग रही है देखने में। बाकी आप लोग आएँ तो कंप्यूटर चेक करवाएँ। और ये दोस्तों होंडा एक्सेंट की है 2022 मॉडल, वाइट कलर की और चली हुई है 79,000 किलोमीटर, 79,000 किलोमीटर, 37,000 जिसको अरबी में बोलेंगे, चली हुई है। पीछे पार्किंग सेंसर और अभी माशाल्लाह काफ़ी कंडीशन माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है, ये चेक करें, तलमिया की हुई है गाड़ी अंदर बाहर से शायद सारी गाड़ियाँ। बाकी इसका इंटीरियर दोस्तों ये चेक करें, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी और गियर ऑटोमेटिक, चारों के चारों विंडोज पावर। तो दोस्तों इसका प्राइस चेक कर लें आप लोग, 49,000 रियाल, 300 रुपये। बहुत महंगी गाड़ी है दोस्तों,
बहरहाल उस लाइन में देखता हूँ कौन सी गाड़ी मिलती है। अभी तो सुबह का टाइम है दोस्तों और आज है जुम्मा, सुबह का टाइम है, पूरा रोड खाली है, एक गाड़ी भी नहीं आ जा रही है, बहुत एक दो गाड़ी कहीं कहीं से आ जा रही है, बाकी पूरा रोड खाली है। अभी तक सब लोग सो रहे हैं, अभी तक सब लोग सो रहे हैं। तो ये मैं यार देखा था, इस पर भी पेपर नहीं दिया हुआ है, शायद दोनों गाड़ी एक साथ ही में आई है, एक इस साइड खड़ी कर दी गई है और एक उस साइड, तो ये भी नहीं आई है। ये किया किया दोस्तों 2022 मॉडल, ये भी किया बेजाज है 2022 मॉडल, ये पेपर आप लोग चेक कर लें। और 96,000 की मीटर चली हुई है और 37,000 यार इसका प्राइस है, सबो 33,000। तो बाकी और गाड़ियाँ दोस्तों पहले बना चुका हूँ मैं और काफ़ी गाड़ियाँ माशाल्लाह सेल हो गई है। उधर एक टोयोटा कोरोला दिख रही है दोस्तों, उसको मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। टोयोटा कैमरी नहीं दिख रही, एक भाई साहब का डिमांड रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन टोयोटा कैमरी दिख नहीं रही अभी। ये टोयोटा कोरोला देखा था, इस पर पेपर वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ दोस्तों। बाकी ये हुंडई एलंत्रा दोस्तों, ये 2017 मॉडल है और 1,90,000 किलोमीटर चली हुई है, वाइट कलर की है, तो इसको मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। माशाल्लाह ये भी गाड़ी टोटल ओरिजिनल दिख रही है, टोटल गाड़ी माशाल्लाह। हो सकता है इसका बम्पर वगैरह रिपेंट हो, बम्पर रिपेंट होना आम बात है दोस्तों, उसको आप लोग इग्नोर करिए अगर कोई भी गाड़ी हो। बाकी ये इधर डेंट है, मारुति वाले जो है बम्पर रिपेंट कर देते हैं क्योंकि बम्पर पुराना हो जाता है, नीचे से स्क्रैच वगैरह आ जाता तो उसको रिपेंट ही कर देते ताकि गाड़ी दिखने में थोड़ा अच्छी दिखे, तो उसको आप लोग इग्नोर करिए। बाकी इंटीरियर माशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरी है, बिल्कुल फ्रेश, और गियर ऑटोमेटिक, चारों के चारों विंडोज़ पावर। तो दोस्तों ये 1,90,000 किलोमीटर चली हुई है हुंडई एलंत्रा 2017 मॉडल और 39,000 रियाल इसका प्राइस है, 39,000 रियाल। बाकी जो ये 650 रियाल आप लोग देख रहे हैं, ये गाड़ी ट्रांसफ़र करने की फ़ीस इस पर पेपर पे अलग से लगेगा, वो लिखा हुआ है, इसके अलावा जो प्राइस पेपर पे दिया हुआ है। तो दोस्तों ये सब गाड़ियाँ इस मारत के बाहर खड़ी हुई है, मारत अलहुस्ता नाम है, तो इसका लोकेशन इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सारी गाड़ियाँ माशाल्लाह टोटल गाड़ियाँ जो है ओरिजिनल है, तो अगर किसी भाई को चाहिए तो आप लोग जो है लोकेशन के ज़रिए आ सकते हैं। बाकी अंदर के साइड में माशाल्लाह काफ़ी फॉर्चूनर खड़ी हुई है, ये चक्कर है, टोटल गाड़ियाँ जो है फॉर्चूनर है, GMC यहाँ से लेकर 1, 2, 3, 4 और सब ये वाली डीजल वो वाली भी शायद डीजल, बाकी ये वाली पेट्रोल, 21 मॉडल 22 मॉडल 21 मॉडल, सब ऐसी मॉडल की गाड़ियाँ हैं दोस्तों। बाकी ये कौन सी गाड़ी है, क्रेटा है दोस्तों, ये क्रेटा एक मैं शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ। ये 2021 मॉडल है और इसका इंजन साइज जो है 1.6 है, 2021 मॉडल, इंडिया की फेमस गाड़ी दोस्तों, 2021 मॉडल है और 70,000 किलोमीटर चली हुई है, ये चेक करें इसका फ्रंट प्रोफाइल, इंडिया की काफ़ी फेमस गाड़ी है ये। और गाड़ी जो है ब्लैक है, फुल ब्लैक तो नहीं कह सकते लेकिन ब्लैक है, अभी इस कलर को क्या कहेंगे अरबी में या फिर इंग्लिश में, ये तो मुझे आइडिया नहीं है दोस्तों। बाकी माशाल्लाह गाड़ी तो बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल साफ सुथरी, और सीट जो है लेदर का है, सीट जो है लेदर का है दोस्तों माशाल्लाह। और स्टेयरिंग पर क्रूज वगैरह सब दिया हुआ, गियर ऑटोमेटिक, और रियर कैमरा भी होना चाहिए, दिया हो रियर कैमरा दोस्तों, ये रियर कैमरा है, बाकी सनरूफ नहीं है दोस्तों, इसमें जो है सनरूफ नहीं है। तो इसका प्राइस दोस्तों 60,000 रियाल, 16,000 इसका प्राइस है, 2021 मॉडल है।
अभी इंडिया और यहाँ का प्राइस आप लोग मिला सकते हैं। अभी ये मान लीजिए कि हो गया 60,000 रियाल यहाँ का हो गया, तो इंडियन आप लोग जोड़ सकते हैं 22 के हिसाब से। तो दोस्तों इसका लोकेशन इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप लोग आइए गाड़ी चेक करवाइए तभी जो है गाड़ी परचेज करिए दोस्तों। गाड़ी बिना चेक के हुए कहीं पर भी जो है आप लोग गाड़ी परचेज ना ही करें तो बेहतर है दोस्तों, मैं हर वीडियो में आप लोगों से बोलते रहता हूँ। बस दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह जो दो गाड़ी मैं वीडियो के शुरू में बोला हूँ वो काफ़ी लो प्राइस की है, इंशाल्लाह वो मैं इसके बाद वाली वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप लोगों का, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।